बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल तन्नु किचन है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की हमारी रेसिपी है फ्रूट के मीठे की रेसिपी। उसके लिए हमने ले लिया है आधा लीटर दूध। उसको अच्छे से उबाल के रख लिया हम लोगों। कस्टर्ड पाउडर 3 से 4 चम्मच, ये चम्मच से ले लीजिए, चाय के चम्मच से। शक्कर 1 कटोरी ले लीजिए। मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं अपन, ज़्यादा या कम। आधा अनार के दाने, 3 से 4 मोम्स, बनाना 1 कटोरी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी 3 से 4, एप्पल आधा, अमूल क्रीम 1 कटोरी, मिल्कमेड 1 कटोरी, 8 से 10 किशमिश, काजू बादाम पिस्ता 1 कटोरी ले लीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रूट का मीठा। ये देखिए, दूध को अच्छे से गर्म कर लिया हम लोगों। अब इसमें शक्कर डालेंगे, अपने हिसाब से डाल लीजिए शक्कर, मीठा या फीका। दूध में शक्कर अच्छे से पकना चाहिए। कस्टर्ड को पानी में घोल लीजिए। ये देखिए, दूध अच्छे से पक गया हमारा, शक्कर भी घुल गई अच्छे से। गैस को मीडियम करके कस्टर्ड घोले से डाल लीजिए, अच्छे से लाइए। आज वीडियो अपलोड होने लेट हो गया हमें, क्योंकि मेरे डिग्री के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आज इंग्लिश का पहला एग्ज़ाम था, 2 बजे से शुरू हुआ था मेरा एग्ज़ाम, 6:30 हो गया है जब तक, लेट हो गया इसलिए वीडियो भी लेट अपलोड हो रहा। एग्ज़ाम तो अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे वास्ते। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम गया, वीडियो लेट अपलोड होता। इसमें 1 कटोरी क्रीम डाल लीजिए, 1 कटोरी मिल्कमेड, इसको अच्छे से पकाइए। ये देखिए, कस्टर्ड अच्छे से पक रहा। मेरा एग्ज़ाम 16 तारीख तक है, 1 दिन आना है मेरा एग्ज़ाम। अब कल नहीं है इंशाल्लाह, कल वीडियो जल्दी अपलोड होगा। परसों फिर है, परसों मरबिक का है। ये देखिए, कस्टर्ड अच्छे से पक गया। गैस को ऑफ कर दीजिए। इसको ठंडा होने के बाद हम मेवा डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे पूरे। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसमें मोम्स डाल लीजिए। अब इसमें सेम डाल लीजिए। अब इसमें अंगूर डाल लीजिए। अब इसमें अनार डाल लीजिए। अब इसमें किशमिश डाल लीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अब, माशाल्लाह। अब इसमें 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे। अब स्ट्रॉबेरी रख देंगे इसमें गार्निश, माशाल्लाह। ये देखिए, हमारा फ्रूट का मीठा रेडी है, माशाल्लाह। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।